today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. जब बात भारत में परमाणु अनुसंधान की हो तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के योगदानों को कोई भी नहीं भुला सकता। हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी के महान भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा की ही बात कर रहे हैं। उनके सम्मान में मृत्यु उपरांत मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC कर दिया गया। विज्ञान शनिवार में आपका स्वागत है। यह एक पॉडकास्ट श्रृंखला है जो अतीत में यात्रा कर उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने विज्ञान को फिर से जीवंत किया और आम जनता के बीच आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना पैदा की। मेरा नाम है आभा। इस कड़ी में आप डॉक्टर होमी भाभा की कहानी सुनेंगे। भाभा का जन्म 1909 में बॉम्बे के एक शिक्षित और समृद्ध घराने में हुआ था। उनके पिता जहांगीर भाभा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं टाटा समूह के कानूनी सलाहकार थे। उन दिनों अमीर और शिक्षित घरों में इंग्लिश लाइफस्टाइल का पालन करना आदर्श माना जाता था और भाभा का परिवार कोई इससे अलग तो नहीं था। होमी भाभा को मुंबई के कैथेड्रल ऑफ जॉन कैनन हाई स्कूल में भर्ती कराया गया जो एक मिनी इंग्लैंड जैसा दिखाई देता था। इस विद्यालय में शिक्षक और लगभग सभी छात्र ब्रिटिश परिवारों के थे। इसी विद्यालय में भाभा ने न केवल विज्ञान और गणित बल्कि कविता, संगीत और चित्रकला में भी रुचि विकसित की। उन्होंने प्रायः चित्रकला प्रदर्शनियों में भाग लिया और यहाँ तक कि एक बार पुरस्कार भी जीता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनके द्वारा बनाए गए कई चित्र अभी भी लंदन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं। हालांकि भाभा एक मेधावी छात्र थे, उन्हें बचपन में बहुत कम नींद आती थी। इस समस्या से चिंतित होकर उनके माता पिता ने लंदन के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उनकी जाँच कराने का फैसला किया। डॉक्टर ने उनके माता पिता को बताया कि भाभा की नींद की कमी का कारण उनका अति सक्रिय दिमाग था और उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की कि भाभा बड़े होकर एक बुद्धिजीवी होंगे। हमें उम्मीद है कि कुछ ही वर्षों के बाद वे डॉक्टर अपनी भविष्यवाणी सच साबित होते हुए देखकर अवश्य ही प्रसन्न हुए होंगे। अगले भाग में आप भाभा की शिक्षा और शोध के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। भाभा की भौतिक शास्त्र में गहरी रुचि थी। हालांकि उनके परिवार की इच्छा थी कि वे इंग्लैंड जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करें और बाद में जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी में मेट्रोलॉजिस्ट के रूप में शामिल हों। एक आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण भाभा 18 वर्ष की आयु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम के दौरान भाभा ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखकर इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ गणित पाठ्यक्रमों को भी पढ़ने की दिलचस्पी जताई। उनके माता पिता ने उनसे कहा कि वे इंग्लैंड में रहकर गणित की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं अगर वह पहले इंजीनियरिंग की अंतिम परीक्षा पास कर डिग्री प्राप्त कर लें। और जैसा कि एक मेधावी छात्र से उम्मीद थी, भाभा ने इस परीक्षा को विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया और उसके बाद उन्होंने गणित में अपनी दूसरी डिग्री भी हासिल की। कुछ ही वर्षों के बाद कैविंडिश लेबोरेटरी में काम करते हुए उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स में डॉक्टरेट प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। 1900 के दशक के आरंभ में परमाणु भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स एक उभरता हुआ क्षेत्र था। भाभा भी इस क्षेत्र के प्रति आकर्षक हो गए और जल्द ही रेडिएशन एमिटिंग पार्टिकल्स के साथ प्रयोग करना उनका जुनून बन गया। जनवरी 1933 में उन्होंने द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन शीर्षक से अपना पहला रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित किया और न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि ली। 1934 में उन्हें
आइजक न्यूटन स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया, जिसकी मदद से उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में भी पीएचडी हासिल की। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने जो रिसर्च की, उसका सीधा असर हमारी कॉस्मिक रेडिएशन एवं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंटरैक्शंस की जानकारी पर भी पड़ा। भाभा कास्केड प्रोसेस के विकास में शामिल थे और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्केटरिंग प्रक्रिया को निर्धारित किया। इसी स्केटरिंग प्रक्रिया को अब भाभा स्केटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु भौतिकी में भाभा के अग्रणी अनुसंधान और प्रयोगों को देखकर उस समय के कई भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च करना आरंभ कर दिया। हालांकि किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदानों ने भारत में कॉस्मिक रेज रिसर्च को शुरू करने और बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। आप यह जानकर रोमांचित होंगे कि भाभा के कैवेंडिश लेबोरेटरी में शामिल होने से कुछ वर्ष पूर्व ही विख्यात न्यूक्लियर साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी उसी स्थान पर एक शोधकर्ता थे। उन्नीस में होमी भाभा अल्प अवकाश पर भारत आए, परंतु वे अपनी योजना के अनुसार इंग्लैंड वापस न जा सके, क्योंकि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और जर्मन द्वारा इंग्लैंड पर भारी बमबारी होने की संभावनाएं जताई गईं। भारत में वापस रहने का उनका यह निर्णय न केवल उनके एकेडमिक करियर में वरन भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। होमी भाभा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलोर के भौतिकी विभाग में रीडर के पद पर पदस्थ हुए। उन दिनों IISc के प्रमुख और कोई नहीं बल्कि नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन थे। भाभा ने न्यूक्लियर फिजिक्स में अपने साथ काम करने के लिए कुछ छात्रों को एकत्रित किया, जिनमें से एक हरीश चंद्र थे। इन्हीं के साथ होमी भाभा ने कॉस्मिक रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करके कॉस्मिक रेज में प्रायोगिक कार्य भी शुरू किया। 40 के दशक की उनके द्वारा की गई इस अनूठी शुरुआत के कारण 50 और 60वें दशक में भारत कॉस्मिक रेज अनुसंधान के सभी पहलुओं में दुनिया के अनेकों देशों से दशकों आगे हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करते वक्त भाभा ने महसूस किया कि भारत में एक फंडामेंटल रिसर्च केंद्रित संस्थान की आवश्यकता है। कॉस्मिक रेज अनुसंधान के क्षेत्र में विकास और एक्सेलरेटर के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र की प्रगति को देख कर भाभा समझ चुके थे कि विज्ञान का भविष्य इन्हीं क्षेत्रों में है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय सहायता के साथ होमी भाभा ने जून 1945 में बॉम्बे स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना की। जब भाभा ने महसूस किया कि परमाणु प्रणाली की तकनीकी प्रगति TIFR में करना संभव नहीं है, तो उन्होंने भारत सरकार को इस उद्देश्य में पूरी तरह समर्पित एक नई प्रयोगशाला बनाने का प्रस्ताव दिया। और तो और उन्होंने भारत के विशाल थोरियम भंडार से ऊर्जा एवं बिजली पैदा करने की रणनीति तैयार की। उन दिनों यह थोरियम केंद्रित रणनीति दुनिया के अन्य सभी देशों की रणनीति से विपरीत थी और इसी रणनीति ने भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया। होमी भाभा को 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में होमी भाभा की मृत्यु के उपरांत मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान को उनके सम्मान में एक नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दिया गया। इस हवाई दुर्घटना के संभावित कारणों की उन दिनों काफी चर्चा हुई और कुछ लोगों का मानना है कि इस दुर्घटना के पीछे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस CIA का हाथ था, क्योंकि वे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे। ग्रेगरी डगलस, जो एक पत्रकार थे और जिसने CIA के पूर्व ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रॉली के साथ 4 वर्ष तक टेलीफोन संपर्क बनाया, उन्होंने अपनी पुस्तक द कन्वर्सेशंस विद द क्रो में दावा किया कि क्रॉली ने संकेत दिया था कि CIA होमी भाभा की हत्या के लिए जिम्मेदार था। क्रॉली ने कथित तौर पर कहा कि विमान के कार्गो सेक्शन में एक बम हवा के बीच में फट गया, जिससे बोइंग 707 विमान एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। क्या आपको लगता है कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना थी, या आपको लगता है कि यह एक साजिश थी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस दिलचस्प घटना में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। विज्ञान शनिवार के अन्य एपिसोड्स को सुनने के लिए उत्कल्प डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल पर जाएं। आपको यदि यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कृपया इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग डॉक्टर होमी भाभा की उपलब्धियों से अवगत हों।